क्षमा याचना दिवस मनाया सावर क्षेत्र के टाकावास में। संत निरंकारी मिशन में वर्ष के अंत में साल भर में जाने अनजाने में हो गई गलतियों का सद्गुरु के समक्ष प्रार्थना कर क्षमा याचना दिवस मनाते हैं। सेवादल इंचार्ज बालूराम कहार ने बताया कि निरंकारी मिशन के ब्रांच टाकावास पर सेवादल के भाई और बहन शारीरिक व्यायाम कर अनेक प्रकार के खेल प्रदर्शित कर स्वस्थ रहने का, शरीर को तंदुरुस्त रखने का संदेश दिया। वह सद्गुरु के समक्ष हुई भूलों को स्वीकार कर क्षमा की याचना की। ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी ने बताया कि अजमेर से आए जोनल इंचार्ज धमन दास जी महात्मा ने अपने प्रवचनों में बताया कि मनुष्य भूलनहार है और सद्गुरु बख्शनहार है, जबकि हुई गलतियों का पछतावा कर लिया जाता है, ईश्वर के समक्ष क्षमा की याचना कर ली जाती है तो उनकी भूलों को बख्श दिया जाता है और इस प्रकार से इंसानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। मीडिया सहायक सुरेश चंद कहार ने बताया कि आसपास के सभी गांव से सत्संग प्रेमी सत्संग में पहुंचे, लगभग 400 से 450 सत्संग प्रेमी सत्संग में पहुंचे। ब्रांच गुलगांव के मुखी महात्मा गोपाल लाल जी ने मंच का संचालन किया।